हाँ राहुल, सुरभि ना वॉशरूम में है, वो बाहर निकलती है ना तो मैं उसे बोलती तुम्हें फोन करने, ठीक है? भगवान करे आज ही सही, पर इस लड़की की आंखें खुल जाए और ये शादी के लिए मना कर दे। एक बार ये शादी के लिए मना कर देगी ना तो मैं इसे भी मान की तरह घर से भगा दूंगी। माँ, आपने मेरा जोड़ा निकाला? अलमारी में रखा है। सुरभि, मैं तुझे अभी भी कह रही हूँ, मना कर दे शादी के लिए, मान मेरी बात। अरे माँ, आप आज की बात ऐसी बातें करोगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, जो तेरे जी में है वो कर। अच्छा सुनो, राहुल का फोन आया था, उससे बात कर लेना। अरे माँ, मैं राहुल से ना बाद में बात कर लूंगी, अभी मुझे तैयार होने दो नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। सुरभि मेरी बात सुनना। अरे माँ, अगर आप मुझे ऐसी चिल्ला क्यों रही हो माँ? तेरा चेहरा क्या हुआ मेरे चेहरे को? भगवान जी, आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं एक अच्छी बेटी के साथ साथ एक अच्छी बहू भी बन सकूं, हमेशा अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोच सकूं। भगवान जी प्लीज मेरे परिवार वालों को और मुझे हमारे नौकरी वाले झूठ के लिए माफ कर दीजिएगा, वो झूठ उन्होंने सिर्फ मेरी खुशी के लिए कहा, किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था उनका। भगवान जी, अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया है तो प्लीज अंश को उसके सच्चे प्यार से मिलवा दीजिएगा और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं उसे भूल सकूं और अपने पति के साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं।